जनपद पौड़ी गढ़वाल के चमोली में पांच सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर गोपेश्वर में कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। कार्य का बहिष्कार करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई बार मानदेय को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के आधार पर 15 वर्ष पूरे होने पर सबका मानदेय बढ़ा दिया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट होने पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जब तक पांच सूत्री मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हम यहाँ पर अपने मांगों ये पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। धन्यवाद। हमारी मांगे हैं पांच सूत्री मांगे हैं 600 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 मानदेय होने चाहिए, गोल्डन कार्ड जारी किया जाए, सीनियरिटी की जब 15 साल पूरा होने पे मानदेय प्रत्येक आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया जाए और जो मिनी वालों का जो उच्चीकृत हुआ है उसका जो जारी किया जाए, मतलब जो बहनें रिटायर होती हैं तो उनके लिए कम से कम 2 लाख रुपये का राशि दी जाए। ये पांच सूत्री मांग को लेके हम चल रहे हैं।